सबका स्वागत। देखते आज का अदर स्पेशल। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और ये साल आज जो एंड है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। थाना इज अ सिटी वेयर देयर इज लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज जो भाव मिलेगा शायद कल नहीं, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। एवरी कस्टमर इज सेफ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। हा लोकांना आतापर्यंत जे काम केलेलं आहे त्यांच्या विविध कृतज्ञतेच पूर्ण केलेलं आहे। जिसके साथ यहाँ भारी मात्रा में रोजगार के संसाधन भी आ रहे हैं। मेट्रो, फ्लाईओवर, जलवाहक और मनोरंजन यह प्रोजेक्ट भी पूर्णता की ओर है। इसे देखते हुए ढोका हाईलैंड यहाँ 4 दिनों का थाने कंस्ट्रक्शन एक्सपो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें नामचीन कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने शिरकत की। इस एग्जीबिशन में बिल्डर्स, डेवलपर्स, ब्रोकर्स और कई प्रॉपर्टी खरीदारों ने अपनी हाजिरी लगाई। थाने में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा वक्त है। 18 सालों से थाने में थाने प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसमें हर साल बहुत सारे प्रॉपर्टी स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इसके साथ प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए यहाँ लोन की भी सुविधा उपलब्ध की गई है। इस कारण सामान्य ग्राहकों को यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने में मजा आया, जिस कारण यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का लेन देन इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में हुआ। इस समय मुंबई थाने के बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मुखिया मौजूद रहे, जिसमें अध्यक्ष के स्थान पर अजय अशोकर, उपाध्यक्ष जितेंद्र मेहता, सेक्रेटरी सचिन मीरानी आदि मान्यवर मंच पर विराजित थे। दिस इज द राइट टाइम, राइट इन्वेस्टमेंट एंड राइट प्लेस। जिस तरह थाने का विकास हो रहा है इसे देखते हुए थाने में प्रॉपर्टी खरीदी करने का यह सही समय है, नहीं तो आने वाले सालों में इस विकसित शहर में जगह खरीदी करना सामान्य जनों के लिए और नौकरी वर्गों के लिए बड़ा कठिन हो सकता है। The main fundamental reason is the people who are sitting here. It's all of your hard work, it is your effort, it is your intelligence, it is your talk, it is all the efforts that you put in that is resulting into Thane growing. Please understand, we all appreciate it from the bottom of our heart, the way everybody puts in the effort. All of us together are really in the work of making Thane grow. 6 से 8 साल पहले हमने एक ड्रीम देखा था और जब हमारा लोगो ये था इवॉल्विंग थाने। आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेंबर बट ऑल ऑफ अस हियर रिमेंबर एंड दैट टाइम आवर मिशन वाज व्हाट, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सेल आवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी सेल एंड मार्केट थाने। एंड व्हेन वी मार्केट थाने आवर प्रोडक्ट्स आर ऑटोमेटिकली गेटिंग सोल्ड। डिलीवरीज कम हो रही है, देयर आर सो मेनी केसेस इन देरा, इज इन महारेरा, इज इन थाने। या
So this is the essence of Thane and this is all what you should all be very proud of. Ke jab aap log bechte ho to hamare mein taakat aati hai aur banane ki, hamare mein hausla aata hai ki hum aur khareede, aur deliveries de. So this is a complete cycle where all of us are very deeply connected and it is this connection which is taking us to the next level. Has to have two DNAs. One is obviously of taking permission and constructing, which is engineering. After all, our business is of engineering business. But second and the most important now is marketing and sales. Let's all understand that this is the need of the hour and let's all work towards it, make it better. But with that, my request to all of you, give maximum information as you can to the customers. Let us, with RERA coming in, it is total transparency. Abhi koi aap bolo ya na bolo, RERA pe jaake customer pehle check karta hi hai, uske baad mein hi leta hai, to wo koi nahi raha hai. But it is very important that aap log bhi customer ko abhi bhi rightly guide kare. Pehchan hai ya Nayan bhai ka pehchan hai, unke saath zyada se zyada time guzarenge to you will earn lot and lot in your life. I have earned from both of them. 1.5 to 2 million square feet ka sale Thana mein hua hai. Ek 3 mahine ke andar 15 lakh se 20 lakh foot ka sale Thana mein hua hai. Please help me, please assist me and let us all together make this project a great success. Thank you very much. Pay my humble respect to all the senior dignitaries here and let me congratulate each one of you. And for some reason I am also playing a small role in whatever little I do. Let me congratulate each one of you for being the largest employers for the country of India. Yes or no? अगर मैं बोल रहा हूँ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स और मैं अपने आप पर ताली बजाने के लिए बोल रहा हूँ तो इस तरह का ठंडा थाली क्यों सुनने में मिल रहा है मुझे? आज आप जो सेल्स कर रहे हो हकीकत में इससे कहीं अधिक सेल्स करने की ताकत आप लोगों में आज भी है. बेचने वाला रेरा के पहले भी घर खरीद बेचता था, रेरा के बाद भी. अब ब्रोकर्स के बारे में कहूं, जो ब्रोकर रेरा के पहले भी बेचता था, रेरा के बाद भी बेच रहा है, और जो ब्रोकर नहीं बेच रहा था वो रेरा के पहले भी नहीं बेच रहा था और रेरा के बाद भी नहीं बेच रहा, तो समस्या रेरा में है कि जो इस बात को समझ गया कि भैया कुछ भी चेंज नहीं हुआ. मैं कोई नहीं हूं आपको बताने के लिए कि घर कैसे बेचा जाता है. आज मैं आप लोगों का वक्त इस बात में इन्वेस्ट करना चाहूंगा. आई वॉन्ट यू ऑल टू इन्वेस्ट ऑन योर ओन सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू ट्राई एंड सी वॉट कैन आई डू इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स दैट आई हैव. And try and see if I can answer some of your concerns related to sales. Though sales is a small component of marketing, sales is the most important component of marketing. Because मेरे पास काफी young लोग मेरे clients के यहाँ पे जब मैं उनको interview करने जाता हूँ तो लोग बोलते हैं सर मेरे को sales नहीं करना है marketing करना है. मैं marketing के job के लिए आया हूँ. बट बेटा जब तक तू कुछ बेचता नहीं ना तुझको कुछ मार्केट नहीं कर पाएगा. सो सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. सेल्स इज अबाउट सेल्स कुड बी सेल्स इज अबाउट रिलेशनशिप. सेल्स इज अबाउट 1-to-1. सेल्स इज अबाउट मैच्योरिटी. सेल्स इज अबाउट इंथुजियाज्म. सेल्स इज अबाउट द करेज and sales is about doing the most difficult job on planet earth and that is to ask for the check. So check kabhi doge. So marketing is a larger ocean. Marketing is all about creativity. It has a lot about analysis and from your point of view it's a wider base. Ek vyakti ko bhi pagar pe rakhne ke liye bahut bada jigar rakhta hai aur I'm sure 99% of you sitting in the room at least have minimum 3 employees.
Yes or no? So, beautiful people you all are. So, rather than what happens, the difference between a successful broker and an unsuccessful broker is, the successful broker works on controllable factors. It is in my control to get trained in life. Yes or no? It is in my control to gather more and more knowledge in my life. Yes or no? It is in my control to have the right attitude in my life. Yes or no? And it is in my control to ensure that I move around with people who are far more successful than me, because they will teach me greater things in life. Yes or no? But unsuccessful people continue to be with people like them. मैं मेरे जैसे लोगों के साथ घूमता हूँ क्योंकि मेरे जैसे लोग मुझे टोकते नहीं हैं। जब मेरे से ऊपर जैसे लोगों से घूमता हूँ तो शायद वो बंदा मुझे टोकता है, बट सक्सेसफुल बंदा अपने ऊपर के लोग अपने से बेहतर लोगों के साथ घूमता है। सो सर, रादर देन फॉलोइंग अप एंड पेस्टिंग दैट वन क्लाइंट, कैन आई जनरेट 10 मोर क्लाइंट्स? क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि जो मैजिक ब्रिक से जो भी लीड आता है उसको सही तरीके से परखूं? एक ब्रोकर का सबसे बड़ा एसेट क्या है? टाइम। एक ब्रोकर का सबसे बड़ा एसेट क्या है? टाइम। कितने लोगों को लगता है टाइम, और कितने लोगों को लगता है कि एक ब्रोकर का सही एसेट बायर है? कितने लोगों को लगता है कि एक सही ब्रोकर का एसेट बायर है? मेरे या हाथ ऐसे या तो हाथ ऐसे, ये कान से वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा। कितने लोगों को लगता है मेरा एसेट बायर है? सर, माइंडसेट चेंज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक सक्सेसफुल ब्रोकर का सही एसेट इन्वेंट्री है। क्योंकि एक बंदा जो कहता है मुझे घर बेचना है, जो मुझे घर बेचना है, वो आपको 10 बायर का फोन दिलवाएगा। यस और नो? वो 10 बायर आपके कॉन्टैक्ट है। यस और नो? वो एक बायर आपको एक ही सेलर दिलवाएगा। तो अगर आज तक अगर आपका सोच ये रहा है कि एक रियल एस्टेट में मेरा एसेट बायर है, तो आप लोगों को कह दूं, सक्सेसफुल ब्रोकर्स ने हमेशा ये जाना कि मेरा एसेट एक्चुअली इज माय इन्वेंट्रीज, एंड टू कलेक्ट इन्वेंट्रीज इज इन माय कंट्रोल। यस और नो? जो व्यक्ति इन्वेंट्री पे ध्यान देता है उस ब्रोकर का जिंदगी और बेहतर होगा। सर, 4 दिन चलने वाला थाने प्रॉपर्टी एग्जीबिशन इसका समापन बड़े ही जल्लोष के साथ हुआ, जिसमें भारी मात्रा में बड़े शहरों के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, खरीदार और इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया, जिसमें कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, कई नई तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विविध व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। हम लोग थाने को हाईलाइट करते हैं, थाने में क्या प्रोग्रेस हुआ, थाने में क्या प्रोग्रेस होने वाला है वो लोगों को दिखाते हैं। हम लोग पूरे बॉम्बे, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, सब जगह ये पब्लिश करते हैं, और थाने की जो अपॉर्चुनिटी है, थाने की जो अच्छी चीज़ें वो बताते हैं। तो हर साल हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और ये साल आज जो एंड है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। करीबन 150 करोड़ से ऊपर के फ्लैट बिके हैं, 200 करोड़ के ऊपर के लोन डिस्पर्स हुए हैं, और फ्यूचर में मतलब कई लोग 4 दिन में डिसीजन नहीं ले पाते कि 4 दिन में लोन के पेपर पूरा नहीं कर सकते, तो इससे 2 महीने के अंदर, और हम लोग चाहते हैं कि हम आशा रखते हैं कि 500 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट का बिजनेस होगा और इतनी अमाउंट की लोन डिस्पर्स होगा। हमारा काम यही है लोगों को इधर लेके आना था, इसके प्रोजेक्ट से दिखाने हम लोग आना, सिटी में भी क्या डेवलपमेंट है वो सब लोगों को बताना था।
हम सब वो लोगों ने वो डेवलपमेंट देखी है, हाउ थाना इज ग्रोइंग, आज थाना में क्या ग्रोथ है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू है, मेट्रो चल रहा है, मेट्रो आने वाला है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वाइंडिंग है, सेंट्रल पार्क आ रहा है 30 acres का, और यहाँ पे थाना में जैसे सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है। PCS ऑलरेडी स्टार्टेड 30 lakh square feet और 20 lakh square feet का और एक बिल्डिंग आ रहा है और कोलगेट आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, लॉट ऑफ प्लेयर्स जो अभी थाना में अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो विच विल क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल इन थाने। और थाना में एक लाइफ स्टाइल अपग्रेड भी है, सब प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट जो है वो वेल प्लान है, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स है, तो वॉट कम योर विल हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, ये राइट टाइम है, और आप आके थाना का ग्रोथ स्टोरी देख लीजिए, आपको पता चलेगा दिस इज़ राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू बाय, रेट्स आर वेरी कॉन्सोलिडेड, रेट्स एकदम रीजनेबल है और यू गेट अ गुड प्रोडक्ट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। हमारी तो ये इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थाना के यहाँ पे आए, इस एग्जीबिशन का अवसर देख के, ऑल द फ्लैट्स, ऑल द टाइप्स ऑफ फ्लैट्स, सभी ब्रांड थाना के यहाँ पे डिस्प्ले करें और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो जाए, क्योंकि व्हेन यू गेट ऑल द चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू एट वन प्लेस, इट बिकम्स इजी टू डिसाइड। दैट वाज अवर विश एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन इट। RERA is for the customers and I think all in all it is a matter of habit. और कुछ साल दो साल हो जाएंगे तो सब लोग को पता है क्या रूल है, रेगुलेशन है, एंड एवरीबडी विल बिहेव इन दैट वे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट्स ऑल। इन फैक्ट द वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज चेंज बिकॉज ऑफ RERA एंड इट इज़ गुड, वेरी गुड। थाना जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इसीलिए हाउसिंग का ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एप्रिशिएशन आ रहा है, तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग थाना इन ऑलवेज, थाना इज ग्रोइंग एंड पीपल आर एक्नॉलेजिंग द ग्रोथ एंड ऑल्सो दे आर एक्नॉलेजिंग दैट माइंड ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड इज नो प्रॉब्लम। जो भी बायर्स है उनसे इतना ही कहूँगा कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय, प्रॉब्ली जो आज जो भाव मिलेगा शायद कल नहीं, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। मार्केट में बहुत ही कंसोलिडेशन हो रहा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सब खरीदते जा रहे हैं, इसका मतलब एज आई सी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स द बिगर प्लेयर्स विल बिकम बिगर एंड वेरी स्मॉल प्लेयर्स और स्टार्टअप्स विल गेट वाइप्ड आउट। सो जो बिजनेस कर रहे हैं एक ढंग से कर रहे हैं वो सर्वाइव होंगे एंड दे विल नॉट डू एनीथिंग विच इज़ चीप और विच इज़ नॉट, तो रेट्स तो बढ़ने ही वाले हैं, देयर इज नो डाउट। The largest real estate has been the largest employers to the country of India. और लोगों को रोटी कपड़ा मकान और मकान दिलाने का सबसे सौभाग्य वाला काम लोग कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री आज के तारीख में रेगुलेटेड इंडस्ट्री हो गई है, तो एक तरीका हो गया है, देर इज़ अ प्रोसेस, देर इज़ अ रेगुलेशन इन द कंट्री विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो आज इन लोगों को और एक बिज़नेस करने का तरीका पहले था और वो तरीका काफ़ी अलग हो गया है, और आज हमारे जो ब्रोकर समाज के लोग हैं वो एक एंटरप्रेन्योर का रूप ले चुके हैं। तो आज एवरी कस्टमर इज सेफ टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट, एवरी कस्टमर इज सेफ टू टॉक टू अ रजिस्टर्ड ब्रोकर, एंड एवरी कस्टमर हैज़ ऑल द फैसिलिटीज टू गो इन फॉर रियल इस्टेट without any issues, without any tensions. So they should come forward, they should invest a lot in real estate. It's a very good long-term investment proposition, and they should take all the brokers seriously, and they should take brokers help, because brokers can get them variety. Har ek cheez tarike se hota hai,
a builder is more organized today, a broker is more organized today, properties काफ़ी हैं और खरीदने वाले पहले भी खरीदते थे और बेचने वाले पहले भी बेचते थे, खरीदने वाले आज भी खरीद रहे हैं, बेचने वाले आज भी बेच रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब वो व्यक्ति बेचना चाहता है या फिर वो खरीदना चाहता है, क्या एक ब्रोकर होने के नाते मैं उनके पास हूँ कि नहीं है? और अगर मैं उनके पास हूँ तो मुझे आज भी बिजनेस मिलेगा, ठीक है? और लेकिन आज वक्त आ गया है कि मुझे एक कस्टमर के पास जाना है, एक ब्रोकर को कस्टमर के पास जाना है। एक वक्त ऐसे था कि कस्टमर को चल के आना पड़ता है, आज ब्रोकर को चल के जाना है। Which is a good news for the customers who want to invest in real estate. मेरा बदल भारत का आयकर है। सर्व लोकला संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक असते। दुर्दैव असा आहे की सर्व लोकला अर्धवट मिळते। कायदा कुठला असला सुरुवातीला त्रासदायक वाटतो, पण जशी जशी सवय योग चालले तसा तो गिराक आणि बांधकाम व्यावसायिक दोघाला फायदेशीर ठरणार एवढी मला खात्री आहे। वेळामध्ये कसं आहे की तुम्हाला एक टाईम फ्रेम फिक्स केली जाते, थांबायची बांधकाम पूर्ण होऊन थांबा तोपर्यंत एक मुदत ठरवून दिली जाते। त्या मुदतच्या वेळी तुम्हाला ते बांधकाम पूर्ण करून ताबा द्यावायचा असतो, म्हणजे गिराकाला पण त्याची शाश्वती असते, त्याला आज काय नाही तरी आमच्या पाठीशी टिकली तरी सरकारी एक नियामली आहे आणि त्याचे नियामक पण आहे, तर त्याचा फायदा नक्की होणार। देखते रहिए आधार न्यूज़ और अधिक जानकारी के लिए www.aadhar.com।